गोरखपुर शहर में 20 साल बाद मिलेगा नया एमएलए। पहली बार योगी चंद्रशेखर लड़ रहे हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में शहर विधानसभा सीट पर 20 साल बाद नया विधायक मिलेगा। गोरखपुर शहर सीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से विधानसभा की हॉट सीट पर माना जा रहा है। प्रदेश भर में निगाहें इन सीट पर हैं। यहाँ जितने भी प्रत्याशियों ने चुनाव की ताल ठोकी है, सभी उम्मीदवार पहली बार विधानसभा चुनाव में हैं। वे दावेदारी कर रहे हैं, चाहे बीजेपी की हो प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर भीमाल में चीफ चंद्रशेखर हो, सभी बड़े नेताओं पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2002 में लगातार गोरखपुर शहर सीट से भाजपा विधायक डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल का कब्जा रहा। साल 2022 चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के आने की वजह से डॉक्टर राधामोहन को ये सीट छोड़नी पड़ी। वर्तमान विधायक डॉक्टर राधामोहन इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के इससे पहले विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे। साल 2017 में सीएम बनने के बाद सांसदी के पद पर योगी इस्तीफा दे दिया था। वे एमएलए के पद पर मनोनीत कर रहे थे। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने राजनीतिक करियर में पहली चुनाव मैदान में थे। बसपा के प्रत्याशी ख्वाजा समुसुद्दीन 20 साल पहले पार्टी में सेवा कार्य कर रहे थे। उनका मानना यह है कि चुनाव वहीं सपा उम्मीदवार उपेंद्र शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला पहली बार राजनीति में हैं। उनको बता दें कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी विजय श्रीवास्तव की पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं गोरखपुर शहर सीट पर 20 साल बाद 2022 में कोई ऐसा नया चेहरा या विधानसभा चुनेगा।